हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आपको बताते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि जो मेरा गूगल एडसेंस का जो पिन है वो मेरे एड्रेस पे आ चुका है। ठीक है, वो पिन आने के बाद ही आपका गूगल एडसेंस पे जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो पूरी तरह हो पाता है। ठीक है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद प्यार मेरे ऊपर प्रदान करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे इस वीडियो में थोड़ा सा जो गूगल एडसेंस जो पिन है उसका छोटा सा एक रिव्यू हम लोग जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इसे एक पर्टिकुलर टाइम में यूज नहीं करते इस पिन का तो इससे क्या घाटा होगा, साथ ही इसको अगर यूज कर लेते तो क्या फायदा होगा, यानी गूगल एडसेंस पिन का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, इसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो भी आपका गूगल की तरफ से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो भी एडसेंस पिन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, यह स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका आता है। जो भी आप वहाँ पर एड्रेस दिए रहते हैं उस एड्रेस पर आ जाएगा। ठीक है, यह इसका बैक व्यू है जो अभी आप देख रहे हैं, साथ में यह इसका फ्रंट व्यू है जो इस प्रकार से आता है। ठीक, और आने के बाद चलिए इसको खोल के हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये अंदर का ये पार्ट है, फिर ये अंदर का ये पार्ट है, और जो यहाँ पे कोड आपका पिन होता है यही आपका गूगल एडसेंस की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जाकर इसे डालना पड़ता है। ठीक है, अगर इस पिन को आप जनरेट होने के 4 महीने के अंदर अगर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक, तो जो भी आपका YouTube चैनल है उस पर जो भी एड्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यह पिन डालना आपके लिए अनिवार्य, सो पिन आप जरूर डालिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि इस पिन का आपके लिए क्या महत्व है और इसी प्रकार आप अपना एड्रेस भी वेरीफाई कर पाएंगे गूगल एडसेंस पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि इसे कैसे गूगल एडसेंस की जो भी वेबसाइट है वहाँ पे यूज करना है। अपने ब्राउजर में आप गूगल एडसेंस की जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन इन कीजिएगा जिससे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हो। उसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कम्प्लीट है तो। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ऊपर लिखा हुआ है कि योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। जो भी आपकी पेमेंट होगी वो होल्ड पर रहेगी जब तक आप अपना एड्रेस वेरीफाई नहीं करते। इसके बाद इधर एक्शन लिखा हुआ है तो आप एक्शन पर टच करके वेरीफाई कर सकते हैं। इधर लर्न मोर भी लिखा हुआ है, इस पर टच करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिर नीचे है कि वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि वेरीफाई, इस पर टच करके भी आप जो अपना एड्रेस पिन है डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा भी है कि 6 जुलाई को मेरा जो पिन है मेरे एड्रेस पे भेजा गया है। ठीक, लेकिन इससे पहले ये था कि मैंने 15 जून को ही ये अप्लाई किया हुआ था। जब मेरा 21 दिन में नहीं आया तो मैंने रीअप्लाई 6 जुलाई को किया और आज लगभग 35 दिनों बाद मेरे एड्रेस पे आ गया है। ठीक है, तो मुझे पिन मिल चुका है। और चलिए उसके बाद आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे 3 लाइन दिख रही है उस पर आप टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखेंगे, होम, ब्रांड सेफ्टी, पेमेंट, अकाउंट एंड फीडबैक। तो जो आपका ये पेमेंट वाला सेक्शन है इस पर आप टच कीजिएगा। पेमेंट पे टच करने पर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक है आपका पेमेंट इन्फो और दूसरा है वेरिफिकेशन चेक। तो जो दूसरा आपका वेरिफिकेशन चेक है इस पर आप टच कर दीजिएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन चेक पर आप टच करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जहां पे अगर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होगी तभी आपका गूगल एडसेंस पिन आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो आपको पिन मिला होगा तो यहाँ पर लिखा है 6-डिजिट वेरिफिकेशन पिन, तो यही पिन आपको यहाँ पर डालना है। ये ख्याल रहे कि यहाँ पर आपको 3 ही चांस मिलते हैं तो आपको सही सही डालना है। और डालने के बाद जो नीचे सबमिट लिखा है सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से जो भी आपका एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। राइट साइड में जो आपने एड्रेस यहाँ पर डाला होगा वो एड्रेस आपका यहाँ पर शो कर देगा।
ठीक है। इस प्रकार आप गूगल एडसेंस पे अपना जो एड्रेस है वो वेरीफाई कर पाएंगे। उम्मीद है कि अब आप यह जान चुके हैं कि आपको गूगल एडसेंस पे कैसे अपना एड्रेस वेरीफाई करना है, या जो आपको पिन गूगल एडसेंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसे कैसे यूज करना है। अगर वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मेरी न्यू वीडियोज आए उसे आप सबसे पहले देख पाए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।